दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। बताया कि एक समस्या पैदा हो जाती है अगर हम आउटपुट को शामिल करते हैं, उसे बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताते हैं बच्चों। तो मैं ये भी बता देता हूं आपको कि अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स चाहिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेंगे। किस तरीके से मिलेंगे उसके लिए लास्ट में हम एक वीडियो आपको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमारी चीज़ हमने ली है। एक तो फार्मर है हमारे पास में, जूस मेकर है, शॉपकीपर है और कंज्यूमर है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की। हम ये मान के चल रहे हैं कि फार्मर ने मैंगो बनाया और मैंगो बनाया उसने 1000 रुपीज़ में, टोटल उसका आउटपुट था, जबकि उसने फ्री में ख़रीदा क्योंकि आम पेड़ उसको मिल गया, पेड़ से उसने तोड़ा और मार्केट में बेच दिया सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन की है उसने वो है 1000 रुपये का, 1000 रुपये का। जूस मेकर ने क्या किया, जूस मेकर ने 1000 रुपये में मैंगो ख़रीदा और प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग की मान लीजिए उसकी जो कॉस्ट आई, जो भी उसकी कॉस्ट आई हम उसको जीरो मान रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुल मिलाकर उसने मैंगो को मैंगो जूस बनाकर 1500 रुपये में बेच दिया, ठीक है जी। अब शॉपकीपर ने, यानी कि इस केस में इसकी वैल्यू एडिशन कितनी की गई है, 500 की गई है। शॉपकीपर ने क्या किया, 1500 रुपये में वो जूस का पैकेट ख़रीदा और 2500 रुपये में कंज्यूमर को बेच दिया। अब क्योंकि कंज्यूमर ने खरीदा है इसलिए कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड्स है। लेकिन यहां पर एक समस्या पैदा हो गई कि हमें कैसे पता चले कौन सी गुड्स फाइनल है, कौन सी गुड्स इंटरमीडिएट। देखिए जब एक कंज्यूमर यूज करता है तो कंज्यूमर किसी गुड्स को यूज करता है इसलिए यूज करता है ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मान लीजिए एक दुकानदार दूध लेकर आता है या मैं दूध लेकर आता हूं, तो दूध बेचने वाले को इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन दूध लेकर आया है। अगर हम टेक्निकल समझें तो टेक्निकली अगर हम इनकम मेथड का यूज करेंगे तो ये कहेगा कि जी मैंने 1000 रुपये इनकम की, ये कहेगा कि मेरी इनकम 1500 रुपये है, ये कहेगा मेरी इनकम 2500 रुपये है ना, इनकम ही तो है। हालांकि कंज्यूमर का तो एक्सपेंडिचर है, इनकम की बात कर रहे हैं। तो यहां पे इनकम अगर हम इनकम मेथड कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी की वैल्यू 5000 के आसपास आ जाएगी, जबकि एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ है वो 2500 रुपये का हुआ है। यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि मैंगो का वैल्यू भी शामिल हो गई, जूस की वैल्यू भी शामिल हो गई और पैकेट की वैल्यू भी शामिल हो गई। इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने वैल्यू को एक बार से ज्यादा बार शामिल कर लिया और उसी की वजह से जो समस्या पैदा हुई है उसको बोलते हैं बच्चों प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि हमने मार्केट में एक से ज्यादा बार वैल्यू को शामिल कर लिया है जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो अब समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। समस्या का समाधान है वैल्यू एडिशन मेथड। यानी कि हम क्या करें, केवल वैल्यू एडिशन को जोड़ें। यानी कि इस फर्स्ट स्टेप में 1000 रुपये की वैल्यू एडिशन हुआ, सेकंड स्टेप में 500 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ और थर्ड स्टेप में 1000 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ। तो तीनों ही वैल्यू एडिशन को अगर हम जोड़ दें तो आंसर जो आएगा वो 2500 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू एडिशन है बच्चों। इसका मतलब अगर हम इनकम मेथड से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आंसर आ जाएगा। जीडीपी वास्तव में 2500 होनी चाहिए क्योंकि एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर तो 2500 का हुआ है, लेकिन इनकम मेथड से अगर हम इसको निकालेंगे तो आउटपुट मेथड, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि अगर इनकम मेथड का यूज़ करके जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। तो अब हम क्या करें वो हमने आपको बता दिया। तो दो मेथड हैं, उसके बारे में हम आगे बात भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक तो है फाइनल आउटपुट मेथड, यानी कि हम क्या करें केवल फाइनल आउटपुट को मेथड यूज़ करें। यानी कि जो कंज्यूमर ने यूज़ किया है 2500 रुपये का सामान, यहाँ पे एग्जांपल गलत है, 2500 रुपये का जो सामान यूज़ किया है केवल उसी को शामिल किया जाना चाहिए। और वैल्यू एडिशन मेथड में ये एग्जांपल ना बच्चों हमने दूसरा ले लिया है और ये एग्जांपल आप कंसीडर मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या तरीका है कि हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन किया गया है
उसको शामिल कर लेना चाहिए। यानी कि फर्स्ट स्टेज में 1000 रुपये का वैल्यू एडिशन था, सेकंड स्टेज में 500 का था और थर्ड स्टेज में फिर से 1000 रुपये का। तो या तो हर स्टेज में वैल्यू एडिशन को शामिल कर लो या लास्ट में जाके फाइनल प्रोडक्ट को ही शामिल कर लो। तो इस तरीके से बच्चों डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर की जा सकती है। तो बच्चों अभी इस वीडियो में आपको इतना ही कराना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों। अगर आप वीडियो की में दी हुई PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्टर्ड होना है, उसके बाद आपको 3 डॉट दिख रही होंगी, इनको जब आप क्लिक करोगे तो आपको स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं।